हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश क्लास टू की रिवीजन वर्कशीट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ए, पिक द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से ज्वाइनिंग वर्ड को हमें टिक करना है। पारुल इज वेरी टैलेंटेड, सी कैन डांस डैश सिंग वेल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड। नंबर टू, दीज एप्पल्स आर स्वीट द ग्रेप्स आर सो। तो दीज एप्पल्स आर स्वीट बट ग्रेप्स आर सो, क्या हो जाएगा, बट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, माई शूज आर ब्लैक डैश योर्स आर वाइट। तो माई शूज आर ब्लैक बट योर शूज आर वाइट, तो क्या हो गया यहाँ पे, बट। नेक्स्ट, आई विल हैव द पिज्जा डैश अ बर्गर फॉर डिनर एंड आई विल नॉट हैव बोथ द थिंग्स। सो आई विल हैव अ पिज्जा और अ बर्गर फॉर डिनर, आई विल नॉट हैव बोथ द थिंग्स। एंड नेक्स्ट, अ पीकॉक हैज कलरफुल एंड ब्यूटिफुल फैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टिक द एम इज आर, कंप्लीट द सेंटेंसेस। एम इज आर लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो बच्चों को हम यह बता सकते हैं, आई के साथ एम लगता है एंड थर्ड पर्सन ही सी और इट के साथ इज लगता है और थर्ड पर्सन या एक से ज़्यादा जब होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो वहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल से हम अच्छे से समझते हैं। सी क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है, तो सी के साथ हमारा क्या लगता है, इज लगता है। तो सी इज ग्लैड डैट हर बेस्ट फ्रेंड विजिटेड हर हाउस। ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा, आर। All the girls are in the computer's lab. Third, I क्या है, सिंगुलर है, तो I के साथ हमेशा am लगता है। I am very happy to be have with friends. Four, he के साथ is लगता है, he is in the library. And five, Indu and Ritu, क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, are. तो इंदु एंड रितु आर बिजी विथ सम इम्पॉर्टेंट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक हैज और हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हैज और हैव के कॉन्सेप्ट को हम इस प्रकार बच्चों से बता सकते हैं, अगर सिंगुलर है तो हैज लगता है और एक से ज़्यादा है तो हैव का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस होते हैं कि आई के साथ हमारा हैव का ही प्रयोग किया जाता है, हमेशा आई के साथ हम हैव लगाते हैं। तो चलिए, पैरोट्स रेड बिक्स, पैरोट्स, तो क्या हो जाएगा, पैरोट के साथ एस लगा हुआ, तो एक से ज़्यादा है, तो पैरोट्स हैव रेड बिक। ही हैज अ सेट ऑफ कलर, ही सिंगुलर पर्सन है, एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज अ सेट ऑफ कलर्स। नेक्स्ट, मेघा सिंगुलर हो गया, मेघा हैज शॉर्ट हेयर, मेघा हैज शॉर्ट हेयर। नेक्स्ट नंबर फोर, वी डैश अ होलीडे टुमारो। तो वी क्या हो गए, हम लोग, तो वी हैव अ होलीडे टुमारो। रितु नेहा एंड निमी क्या हो गए, डैश, एक से ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या हो गया, हैव। रितु नेहा एंड निमी हैव न्यू डॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एड आई एन जी एंड री राइट द फॉलोइंग डूइंग वर्ड्स। ये डूइंग वर्ड्स को हमें आई एन जी लगा के बनाना है, एस एच आई एन आई एन जी, साइनिंग, यहाँ पे ई हटाकर आई एन जी लगेगा। स्माइलिंग, एस एम आई एल आई एन जी, स्माइलिंग। रनिंग, आर यू एन आई एन जी। Sitting, S I double T I N G, sitting. And speaking, S P E A K I
एंड जी स्पीकिंग, इस प्रकार ये डूइंग वर्ड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सर्कल द डूइंग वर्ड्स एक्शन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसमें से हमें एक्शन वर्ड को सर्कल करना है। रीना स्पीक वेल्स, एक्शन वर्ड क्या हो रहा है, स्पीक, तो रीना स्पीक वेल। टू, आई स्लीप फ्रॉम, नंबर टू, आई स्लीप फ्रॉम 10 PM टू 6 PM, एक्शन वर्ड स्लीप। थर्ड, ही राइट्स विथ अ पेन, एक्शन वर्ड क्या हो गया, राइट्स। एंड नंबर फोर, अंकित रीड्स अ स्टोरी बुक, एक्शन वर्ड क्या हो गया, रीड्स। एक्शन वर्ड किसे कहते हैं, जो कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, उसको हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखने का, सोने का, बोलने का, ये सारे हमारे एक्शन वर्ड होते हैं। आई प्ले फुटबॉल, क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो प्ले हमारा क्या हो गया, एक्शन वर्ड। इस तरह बच्चों को समझा सकते हैं कि एक्शन वर्ड के द्वारा हम पता करते हैं कि कौन सा काम हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो दिस इज एक्शन वर्ड। राइट अपोजिट वर्ड, थीन फैट, बिग स्मॉल, न्यू ओल्ड, शॉर्ट टॉल, ब्लैक व्हाइट, हैप्पी सैड। मैच द मेल नेमिंग वर्ड्स कॉलम ए विद द फीमेल नेमिंग वर्ड्स कॉलम बी, यानी मेल एंड फीमेल वर्ड्स को हमें कॉलम में मैच करना है, जिसको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वर्ड भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा अंकल, अंकल आंट, किंग क्वीन, काउ बुल, प्रिंस प्रिंसेस, पीकॉक पीहेन, मैन वुमेन, ब्रदर सिस्टर, लॉयन लॉयनेस। मेक सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल हमें बनाना है, तो सिंगुलर डक डक्स, क्लॉक क्लॉक्स, लैपटॉप लैपटॉप्स, टाउन टाउन्स, बस BUSES बसेस। नेक्स्ट मैंगो, मैंगोज, टोमेटो टोमेटोज, यस लगा के यहाँ पे बनेगा, क्लासेस क्लाश क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल यू फाइंड द फॉलोइंग पर्सन, मैच देम, ए एंड बी, नेम ऑफ पर्सन दिए गए हैं, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन को हम कहाँ ढूंढेंगे, तो पोस्टमैन कहाँ मिलेंगे, पोस्ट ऑफिस, जू कीपर जू, डेंटिस्ट क्लिनिक, एंड पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए और इसी प्रकार आप अपने बच्चों को फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।